पंजाब की वजारत आला का मामला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरक अजलास होगा। इमरान खान पीटीआई और काफली के अरकान असम्बली से खिताब करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली को अजलास में शिरकत की हदायत है। अरकान की शिरकत से पीटीआई और काफली के नंबर सामने आएंगे। लाहौर में इस वक्त माल रोड पर होटल में मौजूद हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहना है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? पंजाब के इंतखाब के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आजम आज अपनी पार्लिमानी पावर शो करेगी और इमरान खान की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। आज रात जो है वो इमरान खान की जानिब से अरकान असेंबली को इशारा भी दिया जाएगा और वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी करेंगे। दूसरी तरफ वाजपेयी ने दावा किया है कि इस वक्त माल रोड पर जो फाइव स्टार होटल है उसमें मौजूद है, जहाँ सीपीआई के अरकान असेंबली और काफी के अरकान असेंबली ठहरे हुए हैं। तो उन्होंने दावा किया कि 180 अरकान असेंबली इस वक्त होटल में क्याम पजीर है, जिन्होंने थोड़ी देर कबल जो है वो इकट्ठे खाना खाया है। 188 अरकान असेंबली मजमू तौर पर सीपीआई और काफी के एक रुकन मनार तुर्की जा चुके हैं। तो अब उनके पास जो 187 की स्ट्रेंथ है, वाजपेयी का दावा है कि तमाम के तमाम अरकान इस वक्त होटल में मौजूद है। और आज जब इमरान खान लाहौर के दौरे पर आएंगे तो यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 187 अरकान शो किए जाएंगे। दूसरी जानब इमरान खान आज रीजन वाइज जो है वो अरकान असेंबली से मुलाकातें भी करेंगे और मुलाकातों का सिलसिला दोपहर से शुरू हो जाएगा और शाम देर तक जारी रहेगा और बाद अजा मुश्तरक तौर पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया जाएगा और फिर इनके एजाज में इशारा दिया जाएगा। ठीक है, लियाकत बहुत शुक्रिया आपका।